नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। करनाल के इंद्री रेस्ट हाउस में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और इंद्री विधायक के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। इस विषय में जानकारी देते हुए जिला प्रधान सुशील गुर्जर ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले जींद में एक ऐतिहासिक रैली हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि ये लड़ाई अब जनता के बीच में जाएगी। ये भी निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के सांसद, विधायक, जिला पार्षद, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और प्रतिनिधियों से जवाब मांगे जाएंगे। उनसे कर्मचारियों की जो पॉलिसियां चल रही हैं उनका जवाब मांगा जाएगा। सरकार लगातार जो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है उसका जवाब मांगा जाएगा और जिस तरीके से आए दिन सरकार जनता विरोधी पॉलिसियां बना रही हैं उनका भी जवाब विधायकों और सांसदों से मांगा जाएगा। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों का साथ लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक बड़ा फैसला लेगी। इसी कड़ी में ब्लॉक स्तर पर ये ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इंद्री से हमारे संवाददाता जसविंदर शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, सोकम चल संघ हरियाणा ने एक जींद में जो बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई थी उस रैली में फैसला लिया था कि अब ये लड़ाई जनता के बीच में जाएगी और खासकर एक ऐसे मुद्दों के साथ जाएगी तमाम पूरे प्रदेश के जितने विधायक और सांसदों के पास भी, तमाम हर गांव के सरपंचों के पास भी, जिला परिषद और तमाम जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनके पास जाएगी। विधायक और सांसद से जो मांगेंगे जवाब कि जो हमारी पॉलिसियाँ चल रही हैं, जो मांग पत्र है कर्मचारियों का, लगातार जिस तरीके से सरकार लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, कच्चे कर्मचारी की बात है, एनपीएस को लेकर बात है, रेगुलाइजेशन को लेकर बात है, पॉलिसियाँ जिस तरीके से आए दिन सरकार ऐसी ऐसी जनता विरोधी जो पॉलिसियाँ बना रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर सांसद और विधायक से मांगेंगे जवाब कि भाई इस मांग पत्र के आपका जवाब क्या है, आप इस देश बचाना चाहते हैं या इस देश को कहीं ना कहीं बेचने के मूड में है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर तमाम विधायकों से जवाब मांगते हुए और समर्थन लेते हुए सरपंचों का, जिला परिषद मेंबरों के पास जाएंगे, उनसे समर्थन लेके आएंगे और फिर एक तमाम पूरे समर्थन और जवाब लेते हुए इस सारी पूरे प्रदेश की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर सोकम चाय संघ एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और जो जिस तरीके के आपने देखा भी होगा कि एक ऐतिहासिक रैली भी हुई थी, इन सारी चीज़ों को लेकर सोकम चाय संघ बनी, इन मांग मुद्दों को लेकर आज सोकम चाय संघ का जो हमारी ब्लॉक कमेटी है इंद्री की, आज यहाँ पंची है साथी संटे कम्बोज है, तमाम साथी मलगीर हमारे स्टेट के नेता हैं, साथी रोचा जी, तमाम साथी हम यहाँ पहुँचे हैं और डेपुटेशन के प्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन भी दिया है और ये मांग उनसे और जवाब भी लिया है। उस जवाब की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल से इसी तरीके से पूरे प्रदेश में यह ज्ञापन की प्रक्रिया ले जाते हैं। आपका शुभ नाम? सुशील गुर्जर, जिला प्रधान सोकम चाय संघ। क्या कहेंगे, कर्मचारियों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है, सरकार का क्या रवैया? देखिए, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ पूरे प्रदेश के अंदर लगातार कर्मचारियों के मांग मुद्दों को लेकर आंदोलन में, इसके अंदर धरने, प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, जींद के अंदर एक ऐतिहासिक रैली, लगातार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मांग मुद्दों को लेकर लड़ रहा है। लेकिन ये बीजेपी सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हक में ही नीतियाँ बनाती है, जो आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी जो पूरे प्रदेश के अंदर अगर आज बेरोजगारी की स्थिति हम देखें, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की बहुत बड़ी एक खोज प्रदेश के अंदर खड़ी हो चुकी है। इसके साथ साथ महंगाई देखो आप कहां से कहां पहुंच गया। जब 450 रुपये सिलेंडर कभी पिछले राज्य में हुआ था, हम कोई सपोर्ट नहीं करते किसी राज्य को, उस समय जब इनके बीजेपी के मंत्री थे, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हों या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, सड़कों के ऊपर मतलब सिलेंडर ले लेके सड़कों के ऊपर उतर रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन आज सिलेंडर का रेट 1150 के आसपास पहुंच गया, लेकिन ये आंख बंद करे बैठे हैं, कान बंद करे बैठे हैं और लगातार कर्मचारी लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी सोच केवल इतनी है कि जितनी भी देश की पढ़ी लिखी जनता है इनको गुलाम बना के रखना, इनको रोजगार ना देना, केवल दो टाइम की रोटी किसी को मिल जाए उसी को ये लोग विकास समझे और तानाशाही शासन बीजेपी सरकार इस प्रदेश के अंदर करना चाहती है, उसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसका विरोध कर रहा है और लगातार लड़ाई के मैदान में है। और अभी सतीश जिला प्रधान जो हमारे सुशील गुर्जर जी, उन्होंने बताया कि हमारा सांसदों, विधायकों, पार्षदों और सरपंचों तक मतलब इनके जो इनकी नीतियाँ उनकी पोल खोल लेंगे और अपने जो मुद्दे, आम जनता के जो मुद्दे, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं वो एक एक आदमी तक हम लेके जाएंगे और फिर उसके बाद आने वाला समय जो है
अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले ही सर कर्मचारी संघ हरियाणा कोई बड़े आंदोलन का निर्णय ले सकता है। तो हम अभी भी अपील करते हैं इस बीजेपी सरकार से कि समय रहते इन कर्मचारी की समस्याओं को सुन ले, नहीं तो इलेक्शन से पहले ही किसी बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार है। ठीक भाई साहब, आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी आए थे ज्ञापन देने, क्या कुछ ज्ञापन है, क्या कहेंगे इसको? वो सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ के कुछ कर्मचारी आज आए थे विधायक जी के ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए। तो विधायक जी की गैर मौजूदगी में मैंने उनका ज्ञापन लिया है, मैं ये ज्ञापन विधायक जी को देने का काम करूँगा, ठीक है? और उसके बाद विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका ज्ञापन देंगे। अपना शुभ नाम? विजय कुमार। ठीक, हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।